चौतरवा में बंगाली हिंदू संगठन और निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हिंसा के विरुद्ध प्रतिवाद रैली का आयोजन किया। बघा प्रखंड के चौतरवा में रविवार को स्थानीय लोगों के साथ यह रैली निकाली गई। रैली में शामिल सैकड़ों लोगों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर बांग्लादेश में हिंसा के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई। रैली का नेतृत्व गौतम हलदार ने किया। रैली में श्रीकांत हलदार, बबलू पांडे और मुखिया प्रतिनिधि आनंद शाही ने भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश में हिंसा की रोकथाम के लिए अपील की। इस रैली का उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाना और भारत सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील करना था। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का कार्यक्रम जो है, जैसे आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में, भारतवर्ष में अभी एक ही मुद्दा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रही है, विशेष करके वहाँ के माँ बहनों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। इसी के लिए एक प्रतिवाद रैली जो है, हम चौतरवा ग्रामीण वासी, चौतरवा हिंदू बंगाली संगठन, निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति जो भारत का एक बड़ा समिति है, इनके तत्वाधान में एक प्रतिवाद रैली निकाला गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम भारत सरकार को एक सूचना देना चाह रहे हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि भारत सरकार इस पर अपना एक्शन ले, जिससे वहाँ के हिंदू सुरक्षित रहे। रैली कहाँ से कहाँ निकाली गई है? ये रैली जो है कोट माई से लेकर हम लोग चौतरवा पेट्रोल पंप तक निकले हैं, वहाँ पर अभी पोखरा जो है सागर पोखरा के पास समाप्त कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम हलदर हुआ। इसका यह कार्यक्रम जो था प्रतिवाद रैली का, यह इसलिए था कि बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं पर अत्याचार, वहाँ पर जो मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, वहाँ आज वहाँ की बेटी बहनें मजबूर हो गई हैं, जो टंगली टांगी ये सब लेकर पढ़ने जाने के लिए मजबूर है, खेत में काम करने जा रहे हैं लोग, वो लोग गड़ासी लेकर के जा रहे हैं। आज करो या मरो की स्थिति जो पैदा हो गई है, भारत सरकार के पहल से बांग्लादेश में अमन चैन शांति के लिए पाकिस्तान से एक बांग्लादेश का निर्माण करवाया गया और अमन चैन से वहाँ का विकास कार्यक्रम काफ़ी तेज़ी से वो देश आगे बढ़ रहा था, और एक ऐसे असामाजिक तत्वों की उसमें एंट्री हुई कि आरक्षण का मुद्दा दिखा करके और उसमें असामाजिक तत्वों का प्रवेश हुआ और उस प्रवेश के माध्यम से आज वहाँ का तख्ता पलट हो गया। आज शेख हसीना जी को 35 मुस्लिम कंट्रीज़ में कहीं प्रश्रय नहीं मिला, कहीं स्थान नहीं मिला, भारत में मिला, भारत में वो आई हुई हैं। और ये प्रतिवाद रैली इसलिए हो रहा है कि और विश्वव्यापी हो रहा है, इसलिए हम लोग भी इसको बंगाली शरणार्थी लोगों के माध्यम से हमारे समाज के लोग, हम लोग पहुँचे थे, विधायक जी भी पहुँचे थे कि ये एक प्रतिवाद रैली ये किया जाए, जिसे ये मैसेज जाए कि जन जन में ये आक्रोश है कि वहाँ पर हो रहे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है या भत्सना के योग्य है, और वहाँ जो सरकार चुनी गई है वो वहाँ शांति कायम करने में अपनी अहम भूमिका ये करे, वहाँ के हिंदू पुनर्वासित हों, डर भय का माहौल समाप्त हो। भारत में मोदी जी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लाल किले से उन्होंने संवेदना व्यक्त भी किया है और ये उनके नेतृत्व में विश्व स्तर पर एक राजनीतिक पहल करके वहाँ अमन चैन शांति का माहौल कायम करने के लिए जो करने के वास्ते मैसेज देने के लिए हम लोगों ने भी प्रतिवाद रैली का शुरुआत किया है। ये तो अभी प्रारंभ है, अगर नहीं होता है तो जन जन पूरे बिहार भर में ये होगा और ये हिंदू संगठन के खिलाफ एक बहुत कुचक्र साजिश भरा ये कार्यक्रम है। जहाँ भी आप बहुसंख्यक में होते हैं, अल्पसंख्यक हिंदुओं का के साथ इतना बड़ा अत्याचार होता है या नहीं होनी चाहिए, निंदनीय है। भारत में सर्वधर्म धर्म सुखाए, सर्वहित सुखाए, सर्व जाति सब धर्म का भारत सेवक है, सेवा करता है और यहाँ सबको रहने का अधिकार है। इसी सोच के साथ बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको पुनर्वासित किया जाए, वो भय का वातावरण समाप्त किया जाए, इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के ये प्रतिवाद रैली निकाला गया था, जिसमें हम लोग भी शामिल हुए। और बबलू कुमार मिश्र, यह कार्यक्रम चौतरवा कोटमाई स्थान से लेकर चौतरवा पेट्रोल टंकी तक बांग्लादेश में हो रहे हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हम लोग निकाले हैं। हम लोग की भारत सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री, भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया से हम लोग यह अपील करते हैं कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदू समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। इसीलिए हम लोग अपना शांतिपूर्वक हम लोग जुलूस निकाल कर
या प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग धरना करेंगे, अमरण अनशन भी करेंगे जब तक वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम नहीं होती है।